अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नबील है और आप देख रहे हैं मास्टर मोबाइल रिपेयर। दोस्तों आज ही हमारे पास आया है नोकिया का ये न्यू मॉडल है और इसमें मसला ये है कि ये ऑन नहीं हो रहा है, और अगर ऑन हो रहा है तो नोकिया के लोगों से आगे जाके ये एक सेकंड में दोबारा ऑफ हो जाता है। तो हम इसको चेक करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं इसमें क्या इशू है। ये है न्यू मॉडल है ये, चलें इसको चेक करते हैं। काफ़ी देर में ऑन हुआ है, ये देखिए अब ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इसकी जो है बैटरी भी चेंज करी है और इसका चार्जिंग जैक भी चेक किया है और इसमें वोल्टेज वगैरह भी फुल आ रहे हैं, मैं आपको अभी फिर दिखाऊंगा। और मज़े की बात ये कि दोस्तों ये पावर सप्लाई पे बिल्कुल भी सप्लाई नहीं दे रहा, पावर बटन प्रेस करने पर बिल्कुल भी सप्लाई नहीं दे रहा और बैटरी पर ऑन हो रहा है लेकिन एक सेकेंड में वापस ऑफ हो जाता है। मैंने इसमें काफ़ी सारी बैटरी भी चेंज करी है, उसके बाद भी जो है ये सब बैटरी पर इशू कर रहा है। तो दोस्तों देखें, ये मैंने जो है इसको खोल लिया है और ये देखें इसका बोर्ड जो है बिल्कुल फ्रेश है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई मोबाइल डेड हो और उसको हम खोलते डायरेक्ट पावर आईसी के ऊपर डेट मार दें, ऐसा नहीं होता। हर मोबाइल के फॉल्ट के ऊपर जो है डिपेंड करता है और उसका एक मेटा फंडा होता है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो हम इसकी जो है बैटरी कनेक्ट करके ऊपर जो है वैल्यू चेक करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। सबसे पहले हम इसके जो है वोल्टेज चेक करेंगे चार्जिंग के, ये बैटरी कनेक्टर पे वो बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये मैं इसमें चार्जर कनेक्ट करता हूँ, ये मैंने इसमें चार्जर कनेक्ट करा है। ये देखें इसके बैटरी पे कनेक्टर पे वोल्टेज भी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसकी चेक करेंगे रीडिंग, इसकी बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग कितनी आ रही है। देखें दोस्तों प्लस के पॉइंट पे बिल्कुल भी रीडिंग नहीं आ रही है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें प्लस के पॉइंट पे बिल्कुल भी रीडिंग नहीं आ रही है, ये देखें बिल्कुल भी रीडिंग नहीं आ रही प्लस के पॉइंट के ऊपर। तो मुझे जो लग रहा है दोस्तों, इसमें जो है इसके बैटरी कनेक्टर का मतलब है। अब चेक करते हैं कि ये वाटर डैमेज वगैरह या कोई कंपोनेंट वगैरह तो नहीं टूटेगा इसके। तो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये देखें, ये देखें आपको नज़र आया, ये देखें ये वाटर डैमेज है ये, और इसके बैटरी कनेक्टर के ऊपर पानी जमा हुआ है।
कोई लिक्विड वगैरह टाइप का होता है ये जमा हुआ है। तो दोस्तों देखें, अब हम इसको जो है वॉश करके देखेंगे, फिर चेक करेंगे कि इसमें जो है वैल्यू आई या नहीं आई, और फिर ये मोबाइल ऑन होता है या नहीं होता। मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन करता हूँ, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो है इसके बैटरी के प्लस पॉइंट को क्लीन कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको क्लीन कर दिया है दोस्तों, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रिंट बिल्कुल जो है पानी की वजह से जड़ से उखड़ गया है प्रिंट ये। और इसके जो पीछे तीन पॉइंट बने होते हैं, इसके ऊपर मैंने रीडिंग चेक करी है मीटर से, तो इसके ऊपर भी कोई वैल्यू नहीं आ रही है। मतलब जब प्लस की रीडिंग ही नहीं आएगी, प्लस वाला जो करंट ही नहीं आएगा, तो ये मोबाइल ऑन कैसे होगा? तो ये मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखें, अब हम देखते हैं ये प्लस की जो लाइन है ये कहाँ से आ रही है, हम देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ करीब से थोड़ा सा। ये देखें दोस्तों, ये तीन पॉइंट बने हुए हैं पीछे वाले, ये तीनों से कनेक्ट होते हैं। ये प्लस वाला होता है, ये जो होता है बीच वाला पॉइंट होता है, और ये ग्राउंड होता है, ये बीपीएस का पॉइंट होता है। तो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये आप देख सकते हैं, ये एक लाइन आ रही है यहाँ से, ये पॉइंट यहाँ से कनेक्ट है। तो मीटर से मैंने चेक किया दोस्तों, ये वाला पॉइंट आ रहा है, मतलब यहाँ से बीच में से कहीं से लाइन जो है ब्रेक हुई है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने जो है इसकी जंपरिंग कर ली है, इसका प्लस का पॉइंट भी लगा दिया है, डायरेक्ट कर दिया प्लस का पॉइंट, और ये बीच वाला पॉइंट भी नहीं आ रहा था इसका बीपीएस का पॉइंट, तो ये भी मैंने इसको डायरेक्ट किया है सोल्डरिंग से, और ये ग्राउंड भी इसका सही तरीके से नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको ग्राउंड भी दिया है दोस्तों। तो अब हम इसको चेक करते हैं ऑन करके कि ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा दोस्तों। तो इसकी बैटरी में असल बैटरी में तो दोस्तों ये देखें, मोबाइल ऑन हो गया है पूरी तरीके से, और इसमें आईसी का कोई भी इशू नहीं था। तो दोस्तों ये होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप हर मोबाइल को चेक करते हैं, और जो इशू होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें।